हेलो दोस्तों, आज आपसे मैं मैक्सिकन पेटोनिया के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, ये एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें हजारों की मात्रा में फ्लावर्स आते हैं। दोस्तों, इसके फ्लावर्स फैब से स्टार्ट हो जाते हैं और विंटर्स तक इसकी फ्लावरिंग कंटिन्यू होती है और ढेरों मात्रा में इसके फ्लावर्स आते हैं। दोस्तों, इसके कलर्स जो हैं वो पर्पल कलर में आप इसको देखेंगे, पिंक कलर में देखेंगे और इसका एक वाइट शेड भी आता है। और बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेस केयर प्लांट है। इवन मैं आपको रिकमेंडेड करूँगी कि आप जो भी बिगनर्स वगैरह है, इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। ये विदाउट केयर वाला प्लांट है, आपको बिल्कुल भी इसमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए और क्या कहते हैं, आप इसमें जो पानी भी है वो भी इसे बहुत ज़्यादा, ये नहीं है कि रेगुलर बेस पे चाहिए। अगर आप एक दिन छोड़ के भी देंगे तो भी इसमें चलेगा। धूप की इसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसको प्रॉपर धूप चाहिए। आप इसे इंडोर नहीं रख सकते हैं, आप इसे आउटडोर रखिए या बालकनी में, इसे जहाँ पे हल्की हल्की धूप भी मिले वो भी इसको अच्छी लगती है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतने अच्छे फ्लावर्स आएंगे। दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। ये हार्डी प्लांट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बंचेज में प्लांट फ्लावर्स आते हैं बहुत सारे। पत्तियाँ कम और आपको फ्लावर्स ज़्यादा दिखेंगे इसमें। और इसके मैंने आपको बताया वेल ड्रेन्ड तो सॉइल चाहिए ही चाहिए, इसे नाइट्रोजन जो है वो कम चाहिए होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको नाइट्रोजन, जो खाद वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, तो आप उसे कम मात्रा में दीजिए। इसमें आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं आप मेरी वीडियोज़ में देख लीजिए, मैं अपलोड करती रहती हूँ। दोस्तों, ये एक हैंगिंग बास्केट का प्लांट भी है, आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बहुत खूबसूरत प्लांट है। या कोई बड़े पेड़ के नीचे जो स्पेस बचता है नीचे, आप वहाँ पे भी इसे लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितने प्यारे फ्लावर्स हैं इसके, पर्पल कलर के, और इतना ज़्यादा बुशी प्लांट्स हैं। आप इसकी विंटर्स में जब ये डोरमेंसी में चले जाता है, आप इसकी एक हाथ छोड़ के कटिंग कर दीजिए, ये एकदम से जैसी धूप गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये अपने आप ही बहुत सारी ब्रांचेस ले लेता है, निकालता है। तो बहुत ज़्यादा देखिए कितना फैला हुआ है। मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी विंटर्स में, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। गर्मियों में इसके फूलों का आनंद लीजिए और सर्दियों में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होती है ये खुद से ब्रांचेस वगैरह निकालने लग जाता है और बहुत ही फैल जाती है इसकी ब्रांचेस। तो ये एक ऐसा प्लांट्स है कि आप इसे एक सिंगल ब्रांचेस से भी लगाएंगे तो भी होगेगा। आप इसकी एक टहनी लगाएंगे और नीचे से पत्ते वगैरह रिमूव कर दीजिए, सीधे मिट्टी में डालिए विदाउट हार्मोन्स के, रूटिंग हार्मोन्स के, तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और दोस्तों, इसे इसका जो फ्लावर्स है वो एक ही दिन टिकता है। जैसे हर डेली फ्लावर्स आते हैं और रिमूव हो जाते हैं शाम तक, तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका ऐसा ही टाइम पीरियड है, मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग में इसके फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं। क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट प्लांट नहीं है, तो ये अपने आप ही फ्लावर्स वगैरह के सीड्स नीचे गिराता है और वहीं से ही ब्रांच वगैरह, वहीं से ही बेबी प्लांट्स निकलने लग जाते हैं। तो एकदम से ही आपके प्लांट्स को पूरा फैला हुआ सा दिखता है। इसे आप बास्केट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको इसकी मिट्टी, इसको कितनी धूप चाहिए और इसकी इसे किस टाइप का न्यूट्रिशन चाहिए वो सब मैंने आपसे बात कर ली है। मैंने आपको बताया कि इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, आप सैंड, मिट्टी और खाद थोड़ा सा कम मात्रा में डालिए। मैंने आपको बताया कि इसको नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो आप इस टाइप से इसका जो सॉइल मिक्सचर है वो तैयार कीजिए। इसको प्रॉपर धूप चाहिए और बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैंने आपको बताया। और सीड से और कहीं आप अपने फ्रेंड से भी इसको, इसकी एक ब्रांच ला के अपने गार्डन में ऐड कीजिए और मिट्टी में भी ग्रो करेंगे तो बहुत ईजीली ये ग्रो हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप उसके हर अपडेट को लेना चाहते हैं, मेरे चैनल पे जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोस डालती रहती हूँ उसका अपडेट आपको सबसे पहले पहुँचे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो जो यहाँ नहीं डाल पाती हूँ मैं वहाँ अपने चैनल, अपने अकाउंट में डालती रहती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में का नाम है गार्डन ऑफ कविता और उसका जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।